डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। हम लोग बच्चों 97 से बॉटनी पढ़ा रहे हैं, अलग अलग कॉलेजों में पढ़ाए, और अभी आपके कॉलेज में पढ़ा रहे। बहुत पहले आपके जैसे पढ़ते थे, कई स्टूडेंट्स पढ़े, पीएससी भी पास ही बूंदी कॉलेज से ही हमने किया है। कोर्स में यही चीज़ें होती है बच्चों, उसको अगर आप उस लेवल पे डेप्थ में पढ़ेंगे तो वो आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगी, जो भी उस पर आधारित रहेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, जैसे एसक्लेपीएडीसी फैमिली है, इसमें आंकड़ा आता है। फिर आपने ट्वेल्थ में भी ये कोर्स में थी, अभी बीएससी में भी है, और एमएससी बॉटनी करेंगे तो वहाँ भी आपके कोर्स में रहेगी। और ये भी हो सकता है कि आपको नाइन्थ में भी इसका कुछ पार्ट हो बॉटनी में, ये भी ध्यान रखें, जो आपने थोड़ा बहुत एग्जाम्पल ही पढ़े उन्होंने। तो क्लास वाइज सब्जेक्ट की डेप्थ बढ़ानी पड़ती है। तो इस क्रम में जब हम आपको एक्सपीडीएसी पढ़ा रहे हैं, तो आपको इसमें कौन से तो मेंबर हैं, क्या उनमें समानता है, क्या इसके लाक्षणिक गुण हैं, इनका ध्यान रखना पड़ेगा, और डायग्राम भी आपको बनाने रहेंगे। तो उस सब्जेक्ट की जो गहराई है, डेप्थ जिसको हम कहेंगे, वह हायर देन ट्वेल्थ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ट्वेल्थ का ही लिख दें। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपको याद नहीं रहा, ट्वेल्थ का भी आप लिखा दें, तो हो सकता है पास होने तक काफ़ी वह हेल्प कर दे, पास होने के लिए पर्याप्त ही हो सकता है कुछ हद तक, अगर पूरा ट्वेल्थ का भी लिख दिया तो। लेकिन क्वालिटी ऑलवेज स्कोर वाली बात है, तो आप सब्जेक्ट की डेप्थ भी बढ़ाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। इस तरह से ये आपका सिलेबस है, जो हमने पहले हर क्लासेज में लगभग सब वीडियो में बताते हैं कि आपका सिलेबस है, ये फर्स्ट ईयर आप कर चुके हैं, ये वाला हम पढ़ा रहे हैं सेकंड ईयर के अंदर सेकंड पेपर। इसके लगभग 100 के आसपास वीडियो यूट्यूब चैनल पर और आपके ग्रुप में डाले गए हैं टोटल मिलाकर, तो अंदाज लगा लीजिए कि 30 के 35 के आसपास आपके, 40 के आसपास या 30-35 के आसपास आपकी क्लास के भी उसमें हैं, जिसमें हम काफ़ी पोर्शन आपको करा चुके। तो इस वाले सेक्शन में हम जो ले रहे हैं एस्क्लेपीएडीसी, अगर हम देखें क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेंथमहुकर का एक क्लासिफिकेशन है, जो हमने शुरू की क्लास में बताया था आपको कि बेंथमहुकर के क्लासिफिकेशन के आधार पर ही भारत में हर बेलिया अरेंज करेगा, और उसी को हम फॉलो करते हैं। तो इस तरह से इसमें डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी, मोनोकोटिलिडनी ये क्लासेस हैं, देन इसकी ये सब क्लासेस, गेमोपिटेली, देन इस सब क्लासेस को जो सीरीज़ में डिवाइड करा गया है, इस सीरीज़ बाइकार्पेलेटी के अंदर इसकी ये पोजीशन है फैमिली एस्क्लेपीएडेसी, ये ध्यान रखिए। ऑर्डर जो इसका जेंशी एंड एलिस है, इस तरह से इसकी स्थिति है। एस्क्लेपीएडेसी इसको मिल्क वीड फैमिली भी कहते हैं, दे फॉर्म ए ग्रुप ऑफ पेरेनियल हर्ब्स, ट्विनिंग श्रब्स, लाइनास और रेयरली ट्रीज, बट नोटेबली आल्सो कंटेन ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लीफलेस स्टेम सकुलेंट्स। द नेम कम फ्रॉम द जीनस एस्क्लेपियास। ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है बेंथमहुकर के अकॉर्डिंग, डाइकोटिलिडनी, गेमोपोटिलिडनी, बाइकार्पेलेटी, जेंशन एलिस। हचिनसन को देखें तो हचिनसन के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन डाइकोटिलिडनी, लिग्नोसे, एपोसाइनेल्स और एस्क्लेपीएडेसी है। और आजकल जो एपीजी सिस्टम चल रहा है, एपीजी सेकंड के हिसाब से एस्क्लेपीएडेसी इज ए फॉर्म ऑफ फैमिली, प्लांट फैमिली, हाउ ट्रीटेड इज ए, नाउ ट्रीटेड इज ए सब फैमिली एस्क्लेपीएडोइडी इन द एपोसाइनेसी। इस तरह से इसकी पोजिशन, द फ्लोरल एडवांस ट्राइब्स स्टेपिले विद इन द फैमिली कंटेन्स द रिलेटिवली फैमिलियर सकुलेंट जेनेरा लाइक होनिया स्टेफेलिया, दे आर रिमार्केबल फॉर द
कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म दे हैव डेवलप्ड फॉर पोलिनेशन विच इंडिपेंडेंटली पैरेलल द अनरिलेटेड ऑर्चिडेसी स्पेशली इन द ग्रुपिंग ऑफ देयर पोलन इनटू द पोलिनिया. फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द फ्लावर आर ऑफन कॉल्ड कैरियंस अट्रैक्ट फ्लाइज. द फ्लाइज पोलिनेट द फ्लावर्स. एस्क्लेपिडेसी का जेनेराम ले रहे हैं. कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जो इसमें डाइग्राम में आपको दिख रहा है, गूगल से बच्चों डाइग्राम लिया गया. नेचर में भी ये काफ़ी प्रेजेंट है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जो आपने फील्ड में भी देखा होगा इस तरह की इसका है. तो आप देखते ही पहचान भी सकते हैं कि ये कैलोट्रोपिस प्रोसेरा आंकड़ा जिसको हम कहते हैं. स्टेम हर्बेसियस से लोअर पोर्शन वुडी. एरियल इरेक्ट सिलेंड्रिकल है. ब्राज्ड सॉलिड. लोअर पोर्शन स्मूथ. अपर पोर्शन कवर्ड विथ वूली हेयर्स. हेयर्स पाए जाते हैं जो कि आपने देखा है आंकड़े में. पेल ग्रीन कलर का है, इसमें भी समझाने की जरूरत नहीं है. मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट है. थोड़ा भी होगा बच्चों खेलते टाइम आपने तो आंकड़े में लेटेक्स निकलता है सफ़ेद सफ़ेद, जिसको यहाँ हाड़ोती में कहते हैं भी दूध सा निकलता है. ये वाला इसका कैरेक्टर्स है. लीफ कोलाइन एंड रैमेल. एक्यूट हेरी वूली. यूनिकोस्टेट है. रेटिकुलेट है. जाली कावत. शिरा विन्यास है. हर्मेफ्रोडाइट है. पेंटामिरस है. पंचतय फ्लावर है. हाइपोगाइनस है. एंड साइक्लिक है. जहाँ तक रामला इन्फ्लोसेंस का पॉलीचेज एंजाइम है. फ्लावर ब्रैक्टिएट है. ब्रैक्टिओलेट है. पेडिसिलेट है, यानी कि फ्लावर में व्रंत पाया जाता है जो कि आपने अभी डायग्राम में देखा ही है, फोटो में देखा ही है. कंप्लीट है, चारों पार्ट्स इसमें प्रेजेंट है. एक्टिनोमॉर्फिक है. किसी भी एंगल से काटिए आप उसको, तरह से काटिए दो टुकड़ों में डिवाइड करा जा सकता है. जबकि मटर का इससे विपरीत जाइगोमॉर्फिक होता है. हर्मेफ्रोडाइट है. पेंटामिरस है. पंचतय है. हाइपोकाइनस है. साइक्लिक है. चक्रीय. कैलिक्स का जहाँ तक रहा मामला दलपुंज का, दल पाँच है. सेपल्स पाँच. पॉलीसेफेलस क्विकंसियल है. कोरोला दल का, कैलिक्स का बता दिया हमने बाह्य दल का, और कोरोला का जो है दल का जो है पाँच है. गेमोपिटेलस है. ट्विस्टेड है. कॉलर्ड. एंड्रोसियम भूमंग. स्टेमेन पाँच यूनाइटेड विद ए स्टिग्मा टू फोर में गाइनोस्टेजियम. इस तरह से इसमें गाइनोस्टेजियम बनता है. ईच स्टिग्मा इज रिप्रेजेंट बाई द टू पोलिनिया. हर स्टेम को देखें तो वो पोलिनिया के द्वारा रिप्रेजेंट करा जाता है. द पोलिनिया ऑफ द एडजस्टेंट एंथर आर जॉइंटली बाई देहर रेटिनेकुली टू कॉर्पस्कुलम इन ए ग्रुप टू फोर में यूनिट नोन एज द ट्रांसलेटर. भी डायग्राम दिखाएंगे इसका. ए कोरोनरी आउटग्रोथ इज प्रेजेंट एट द बैक ऑफ ईच स्टेम. गाइनोशियम बाईकार्पेलरी. ओवरी फ्यूरी फ्री बट अपर पोर्शन ऑफ द स्टाइल एंड स्टिग्मा आर फ्यूज्ड. सुपीरियर प्लेसेंटेशन मार्जिनल. ओविल्स में भी मैप मैनी परलोक्यूल. स्टिग्मेटिक हेड्स आर द पेंटागोनल. फ्रूट्स जो है इस तरह का है. फ्लोरल फॉर्मूला बच्चों यहाँ देखिए, हम इसमें जो बता रहे हैं बी आर से ब्रैक्टिएट बताइए. ब्रैक्टिओलेट है. ये एक्टिनोमॉर्फिक है. बाइसेक्सुअल है. के ये फ्री हैं इसलिए इसको ब्रैकेट में नहीं रखा गया. ये आपस में जुड़े ए और डी, तो इस तरह से इसको दिखाते हैं. ये इसका डायग्राम है. ये देखिए आप इस तरह से ये दिखाई देते हैं. दिखाइए आपने. ये फ्लावर का एलेज जिसमें हम देखें, ये पेडिसिल कराता है. पुष्प व्रंथ. ये सेपल्स. ये ओवेरी. ये स्टाइल है. ये इस तरह से जुड़कर यहाँ काइनोस्टेजियम बनाता है जो हमें ऊपर से ऐसे दिख रहे हैं. देखिए आप ये जो एलेज है तो ऊपर से इस तरह का दिखाई देता है. ये यहाँ पे ऐसे कोरोनरी ग्रोथ इसमें होती है. ये ट्रांसलेटर है. इसमें जब निकाल के देखते हैं उनको निकलवाएंगे प्रैक्टिकल में, वापस कुलम कलाएगा और ये वाला पोलिनिया दिखाई देते हैं. और जब इसका सेक्शन काटते हैं बच्चों को, ओवेरी इस तरह की
सोवेरी में ये ऐसा दिखाई देता है। इसी क्रम में दूसरा फ्लावर है क्रिप्टोस्टेजिया, इसका इस तरह से नेचर में दिखाई देता है क्रिप्टोस्टेजिया, ये इस तरह का फ्लावर है। वही डिस्क्रिप्शन लगभग एक जैसा ही है, थोड़ा सा अंतर रहेगा। हर्बेसियस, लोअर पोर्शन वुडी, एरियल वीक, क्लाइंबिंग ट्विस्टेड, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड रफ ग्रीन, मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट। लीफ का कोलाइन रेमेल अपोजिट डेकोसेट, बट ड्यू टू द ट्विनिंग नेचर ऑफ द स्टेम दे अपीयर टू बी सुपरपोज्ड। एक्सस्टिपुलेट सिंपल पेटियोलेट, पेटियोल स्वोलन, इलिप्टिकल कोवेट, रेंटायर एक्यूट। इन्फ्लोरेसेंस डाइचेजियल साइन। फ्लावर्स आर द ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, पेडिसिलेट, कंप्लीट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट, पेंटामेरस, हाइपोगाइनस एंड साइक्लिक। कैलिक्स, सेपल्स, मार्च, पॉलिसिफेलस, वेगेंशियल, ग्रीन, मार्जिन, मेम्ब्रेनस। कोरोला का रस, सेपल्स, मार्च, गेमोपेटेलस, ट्विस्टेड, वॉयलेट, कोरोनरी आउटग्रोथ प्रेजेंट। एंड्रोसियम, स्टेमेन 5, पॉलीएंड्रस, एपिपिटेलस, डाइथिकस, एंड्रोस। पोलन ग्रेन्स आर शेड फ्रॉम ईच लोब्स ऑफ द एंथर एंड आर डिपॉजिटेड इन द ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर स्पून शेप्ड एंड अटैच्ड बाय द एडहेसिव डिस्क इन बिटवीन द टू स्टेम्स। गाइनोशियम करा बाइकार्पेलरी, ओवरी सुपीरियर, ओवरी इज फ्री बट स्टाइल एंड स्टिग्मा फ्यूज्ड। ओव्यूल्स मैनी, पर्लोक्यूल, प्लेसेंटेशन मार्जिनल, स्टाइल वेरी शॉर्ट एंड स्टिग्मा नोब लाइक। और ये इसका रहा फ्लोरल फॉर्मूला, जो कि आप देख सकते हैं ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, के फ्री बता रखे हैं, सी ज्वाइंट में 5 है, ए बी संख्या 5 है, एंड्रोसियम और दोनों जुड़े हुए हैं, ओवेरी सुपीरियर है, इस तरह से ये इसका बाइकार्पेलरी है, ये इसके कैरेक्टर्स हैं और ये इसके फ्लावर्स हैं जो इसमें दिखाई दे रहे हैं बच्चों। ये देखिए, ये आपको डायग्राम फाइल में भी बनाना है, जैसा कि ये है, ऐसे हम फ्लावर की ट्रिक बनाएंगे, ये एलएस फ्लावर दिखाएंगे और ऐसे फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। क्या आपने 12th की स्कूलिंग में ही बनाया, ये टीएस ओवेरी रहेगी, इस तरह का बनाना रहेगा। जहाँ तक रहा मामला इस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का, द फैमिली इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्नामेंटल एंड ड्रग प्लांट्स। ऑर्नामेंटल में स्पेसीज ऑफ एस्केलेपियास मिल्कवीड है, स्टेपिलिया वेरिएगेटा, क्रिप्टोस्टेजिया आर ग्रोन फॉर द ऑर्नामेंटल पर्पजेस। वाइल द मेडिसिनल का जहाँ तक है, रूट्स ऑफ द टाइलोफोरा इंडिका आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। टाइलोफोरा इंडिका बच्चों अस्थमा में इसकी रूट्स काम में आती है, अस्थमा ब्रोंकाइटिस जो खांसी वगैरह जो होगी बाद में अस्थमेटिक बन जाती है, तो उसमें इसकी रूट्स को काम में लेते हैं। ड्राई रूट्स ऑफ द हेमिडेसमस इंडिकस कॉन्स्टिट्यूट हेमिडेसमस एंड अंतमूल जिसको भी कहते हैं, इट इज़ ए ब्लड प्योरीफायर है, इसको ब्लड प्योरीफायर के रूप में भी आयुर्वेद में काम में लिया जाता है। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस इज स्टोमेटिक स्टिमुलेंट, लेक्सेटिव एंड डायरेटिक एंड यूज इन द कफ एंड सोर आइस। अदर यूजेज द लेटेक्स ऑफ कैलोट्रोपिस प्रोसेरा एंड गिगेंशिया यूज इन द टैनिंग इंडस्ट्रीज में भी लेते हैं काम में, डिओजराइजिंग हेयर के लिए भी लेते हैं, इम्पार्टिंग येलो कलर टू हाइड्स। द लेटेक्स ऑफ द क्रिप्टोस्टेजिया इज कॉमर्शियल सोर्स ऑफ द रबर आल्सो होता है। ये इस तरह से बच्चों हायर क्लासेस की बुक्स हैं जिसको आप आगे की क्लासेस में काम में लेंगे, क्योंकि इसी सब्जेक्ट की आप डेप्थ बढ़ाएंगे। डेविस एंड हेवुड की है, प्रिंसिपल ऑफ एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी, ये लंदन से पब्लिश होती है, लाइब्रेरी में भी इसका एडिशन है। एक के मंडल एडवांस प्लांट टैक्सोनॉमी, ये न्यू सेंट्रल बुक एजेंसी से पब्लिश्ड है, ये भी आपकी लाइब्रेरी में यहाँ पर उपलब्ध है। जी सी प्लांट सिस्टमेटिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑक्सफोर्ड IBS से पब्लिश्ड है, इसका आजकल
ई बुक भी आती है, यानी कि पीडीएफ वर्जन भी आपको मिल जाता है। किसी लाइब्रेरी की हो तो फ्री डाउनलोड में भी आपको ये मिल सकती है। तो वहाँ से हमने इसमें कुछ डायग्राम्स वहाँ से लिए हैं, तो ये भी आप उसमें देख सकते हैं। पुरानी वेल स्टेब्लिश बुक के बच्चों, वाई डी त्यागी क्षेत्रपाल के एन इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमी ऑफ एनजीज पर, ये रमेश बुक डिपो से निकलती है, और इसी क्रम में एक है वी एन नायक की टैक्सोनॉमी ऑफ एनजीज पर, भी टाटा मैकग्रा से निकलती है। थोड़ा हमने नया तरीका कराया रेफरेंसेज का, तो हम आजकल इसमें इमेजेस भी आपको दिखाएं, पुराने वीडियो में भी हमने दिखाए। तो ऐसी बुक्स आप सीधा देख के ऑनलाइन भी आप ऑर्डर करें तभी ये आ जाती है, या वहाँ भी अगर आप ढूंढे बुक स्टॉल पे भी, तो देखने में आसानी रहे। डिजिटल टेक्नोलॉजी है बच्चों, तो आप भी कोशिश करें इस तरह से सीखने की, तो ऐसे ये बुक्स आपके काम की आगे की क्लासेस में रहेगी। थैंक यू।